छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में बघेल आरोपी बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर, आगे मुश्किल बढ़ सकती है। एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम आरोपी के तौर पर बताया गया है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आरोपी के तौर पर सामने आ गया है। इस एफआईआर में, इस पूरे मामले में जो एफआईआर सामने आई है, इसमें आरोपी के नाम के तौर पर सीएम, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही थी और जो एफआईआर है इसमें भूपेश बघेल का नाम है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आरोपी बनाया गया है एफआईआर में भूपेश बघेल को। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी असीम दास गिरफ्तार हुआ था कुछ महीने पहले, उससे पूछताछ के दौरान उसने एक खुलासा किया था कि दरअसल 508 करोड़ रुपए जो है वो दुबई के रास्ते हवाला के जरिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं, और ये 508 करोड़ रुपए जो है जो बरामद की हुई थी बाकायदा एक होटल से मध्य प्रदेश में, उस बरामदगी के बारे में बताया गया कि ये जो पूरा पैसा था ये भूपेश बघेल को दिया जाना था, और कुल मिलाकर 508 करोड़ की बात सामने आई थी जो भूपेश बघेल को दिया गया, जिसका इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल भी किया गया। तो इस तरीके के तमाम आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगे, जिसके बाद बाकायदा अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और उस एफआईआर के अंदर महादेव बैटिंग ऐप की जो एफआईआर है उसके अंदर भूपेश बघेल जो कि एक्स सीएम मध्य प्रदेश के, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। जी तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा की, किस तरह से 7 से 8 करोड़ यानी करोड़ों के मामले में जो लेन देन हुई इसका जिक्र भी जितेंद्र किया गया है एफआईआर में। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, रायपुर से लेकर दिल्ली तक कनेक्शन इसमें खंगाले जा रहे थे। इसके अलावा जो खुद इस प्रमोटर थे इस महादेव बैटिंग ऐप के, वो लगातार तमाम आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगा रहे थे कि असीम दास के जरिए लगातार भूपेश बघेल सरकार जो थी वो महादेव बैटिंग ऐप के जो प्रमोटर्स थे उनसे पैसा ऐठने में लगे हुए थे, एज ए प्रोटेक्शन मनी उनसे लिया जा रहा था, इसमें कई आईपीएस का नाम भी सामने आया था। तो उसके बाद अब जरूरी था कि राज्य सरकार के लिए भूपेश बघेल के रास्ते बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो महादेव बैटिंग ऐप है इसके प्रमोटर्स के खिलाफ भी मामला है, और पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।